बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम परदेसी भाइयों को जी। सबसे पहले दिल की तह गहराइयों से ईद मुबारक जी। परदेस में बैठे हुए हैं फैमिलीज़ के बग़ैर यार, आपके दर्द को हम समझ सकते हैं। मैं भी जैसा कि आपको पता है तकरीबन 10 ईदें पड़ी हैं जी परदेस में, 10 ईदें एक साथ ही, यानी कि पाकिस्तान पहुंचा ही नहीं और 10 सीधे वहीं पर पड़ी। तो बहरहाल जी, ये बात तो चलो छोड़ें, परदेशियों के हालात के मतलब तो बाखूबी हम भाई जानते हैं। सब भाइयों को फिर से जी एक दफ़ा ईद मुबारक। और जैसा कि आपको पता है मैं पाकिस्तान में हूँ, ये जो वीडियोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भाइयों की तरफ से मुझे सेंड की गई हैं मुख्तलिफ़ शहरों से। ये जो वीडियो आप देख रखे हैं ये रियाज से है जी। पहली वीडियो में देखा ईद नमाज़ नहीं पढ़ी जा चुकी, अभी ईद नमाज़ की यानी कि जमात खड़ी होने वाली है। और इसके बाद मैं मुख्तलिफ़ शहरों से जितनी भी मुझे वीडियोज़ शेयर की गई है ना लाइव ईद नमाज के मनाजर, वो आपके साथ शेयर करूंगा जी मैं। तो परदेसी भाई तमाम इंजॉय कीजिएगा जी, और आप किस शहर में हैं मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ईद नमाज पढ़ ली है अपनी? अभी तो कुछ भाई तो मेरे हिसाब से सो गए होंगे, और कुछ जब मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कुछ भाई अपनी फैमिली के साथ गप्पे लगा रहे होंगे। तो बहरहाल यहाँ पर ईद नमाज पढ़ी जा चुकी है जी, और गले मिलने का सिलसिला जारी है। आपने एक चीज़ के ऊपर गौर किया होगा जी, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गले मिलकर ना यार, जिसको हम बोलते हैं कि घुटके जफ्फी डालकर मिलने, ये आपने देखा होगा अक्सर ना जो गैर मुल्की होते हैं हम परदेसी भाई, वही सऊदी बहुत कम देखा है मैंने। हाँ मिलते वो भी हैं लेकिन वो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के साथ लगते हैं बस आराम से, लेकिन जफ्फी डालकर मिलना ये गैर मुल्की जितने भी हैं ना ईद नमाज ऐसे ही मिलते हैं, वैसे एक बेस्ट तरीका है। बहरहाल ये वीडियो जो है ये जजान से है जी, इसके साथ मैं एक वीडियो चला रहा हूँ, ये ताइफ से मुझे सेंड की गई है। ये भी एक भाई की तरफ से सेंड की गई ताइफ से, और ताइफ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इलाका, और मैंने तकरीबन 3 साल का अरसा गुजारा हुआ है ताइफ में, सज्जन के करीब और हद्दा रोड के ऊपर और आगे हाविया में। तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत इलाका ताइफ, और साथ में पीछे जजान की वीडियो, और भाई साहब आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर वगैरह वीडियो में आ रही है। तो ये इन्होंने मुझे ताइफ से सेंड की थी, पीछे वाली वीडियो जो है जी वो जजान की चल रही है। तो ताइफ माशाल्लाह एक बेहतरीन इलाका है जी, और यहाँ पर आपको लास्ट में एक वीडियो मैं दिखाऊंगा जो एक भाई ने मुझे सेंड की खवातीन के मुतल्लिक है, मैंने वो बोला चलो लास्ट में रख देते हैं। ये दूसरी वीडियो जो बैकग्राउंड पर के ऊपर आप देख रहे हैं ये भी जजान की है, और खवातीन की वीडियो भी देख लें साथ में, ये जो चल रही है ये अभी, इसमें मैं इसके मतलब मिनटी कोई भी करना चाहता कि ये भाई साहब ने किधर से मुझे सेंड की है। बहरहाल आप मुझे, बहरहाल आप जिस किसी भी शहर में हैं जी वहाँ से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये थी टॉप ऑफ द फीफा जजान से आगे सऊदी अरब का सबसे खूबसूरत गांव, पहाड़ों के ऊपर और ऊपर बादल और नीचे इस तरफ मस्जिद, माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत मंजर हैं। तो तमाम भाइयों को लास्ट में जी फिर एक दफ़ा ईद मुबारक, आपके शहर में है मुझे कमेंट करके।